कि हम पूरा दिन कंप्यूटर पर रहते हैं, जीमेल का बहुत इस्तेमाल है और हम ओमेल का इंतजार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी अभी के लिए यही कि आईडी ज्यादा से ज्यादा खोले। हम अगर हम दिन में 4 बार आईडी खोले तो 14 लाख इंटू 4 56 लाख क्लिक कंपनी को जाएगा। बात छोटी है पर बहुत बड़ी भी है। इसमें मैं जरूर कुछ हाईलाइट करना चाहूंगी। ये बात हमें अभी, बिकॉज ये भी एक कहीं ना कहीं पे पर क्लिक का एक कॉन्सेप्ट रहती है, हमें ये कॉन्सेप्ट समझना, थोड़ा सा एटलीस्ट आइडिया हो। यस, कहीं ना कहीं जैसे कि कुछ कंपनीज, अमेजोन हो गई या कुछ कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, उनका इनकम बस बस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स से, जब जीरो इसमें वो लोग प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं इंटरेस्ट में। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं कुछ सामान बेचना चाहूंगी अमेजोन में, मैं उधर जब सब्सक्राइब करती हूँ, मेरे को बहुत कम प्राइस में वो लोग डिलीवरी से लेकर हर एक चीज करके देंगे। वो बाकी का कॉस्ट कैसे निकलते हैं? एक कॉन्सेप्ट रहती है पे पर क्लिक का। उसमें क्या होती है, हर क्लिक में उस कंपनीज को कुछ पेज मिलती है। जैसा इवन बहुत सारा ऐसा सोशल मीडिया है, इवन फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, हर जगह पे ये होती है। कंपनीज को पेपर क्लिक में मिलती है जब वो बड़ी सब बड़ी कंपनीज रहती है। यस ऑफ कोर्स, ऑन पैसिव में भी बहुत पहले, अभी का एग्जैक्ट 100% श्योर नहीं है, बट बहुत पहले एक बार सर ने एक वेबिनार में कहे थे कि इवन पेपर क्लिक इधर ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट में भी रहेगा। हर क्लिक से आप जो क्लिक करते हो, आपके लिए वो ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक आप जनरेट कर रहे हो, डेफिनेटली ये भी यूजफुल है। और जीसी सिंह सर ने बहुत अच्छे से ये टॉपिक हाईलाइट किए हैं। थैंक यू सर आज। एंड मैम, इसमें इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें, कि जैसे सर ने बोला ना कि अगर हम क्लिक करेंगे तो 14 लाख रुपए, 14 लाख लोग अगर इसमें लोग क्लिक करेंगे आएंगे, तो, 14 लाख लोग लेकिन इंटू 4 क्लिक्स पर लेकिन डे। अगर लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल चीज़ यही है कि हमारे बहुत सारे फाउंडर हैं जिन्होंने मोस्टली शायद 70% फाउंडर ऐसे होंगे जिन्होंने मल्टीपल आईडी ली हुई है, चाहे वाइफ के नाम पे, चाहे पेरेंट्स के नाम पे। तो उनके लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोगों ने 50 50 आईडी भी ली है, तो 50 50 आईडी वो एक साथ लॉगिन नहीं कर सकते, वो अपनी एक मेन आईडी होगा, उसी को ज्यादातर 2 बार 4 बार अगर लॉगिन कर सकता है। तो ये सब चीज भी रहती है। ये जो क्लिक करने का अभी इस समय मतलब नहीं है कि इसका पे पर क्लिक पे पेमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा एक ये है कि क्लिक करने से क्या होगा, हमारा जो एक ट्रैफिक आएगा ना, कि हम उस पर इतने इतने लोग विजिट कर रहे हैं, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है मार्केटिंग में, कि इतने लोग हमारे इसमें क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने का यानी इतना ट्रैफिक आ रहा है, इतना ट्रैफिक आ रहा है, हमारे इतनी बार लॉग इन हो रही है साइट उस पर। तो जब जो जो हम तो नहीं कहते, लेकिन जो बड़े बड़े मार्केट में बैठे हुए लोग हैं, वो कहते हैं यार ये चीज सही है यार, क्या कहते हैं, ये वेबसाइट पे इतने मतलब इतना ट्रैफिक आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, जबकि अभी लॉन्च नहीं हुई, जबकि ऐसा नहीं हुआ, ये सब उसमें कहा जाता है इसके लिए। एग्जैक्टली। एंड वन मोर टॉपिक जहाँ आज कुछ जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, इन टर्म्स ऑफ कुछ लोगों को इवन सब्सक्रिप्शन चार्जेस और पैकेजेस के रिलेटेड थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसको मैं क्लियर करना चाहूंगी जरूर। बिकॉज ओके, आपको जब ये ऑन पैसिव का, जब आप अभी नेक्स्ट जो पे करना है वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। ये हर एक फाउंडर, आपके अंडर टीम हो या नहीं हो, हर एक फाउंडर को पे करना पड़ेगा। जब आप पे करोगे, आपका डोमेन लाइव होगा। जब आपका डोमेन लाइव होगा, तब आपके आईडी में ट्रैफिक जनरेट होती है। जब आप पैकेज परचेस, सब्सक्रिप्शन चार्जेस ही नहीं पे करोगे, तो आपकी डोमेन एक्टिवेट नहीं होगा, तो आपका कोई भी ऐसा इनकम जनरेट होने का चांसेस नहीं रहती है। उसके बाद क्या होगा, जब आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करते हो, आपका सबसे पहले हम लोग के, जैसे सर ने ऑलरेडी कहा है, कुछ प्रोडक्ट्स फ्री में रहेगा, जैसे कि ओमेल हो गए और ओनेट हो गया। इसमें क्या होगा, इस प्रोडक्ट्स में आपकी ट्रैफिक जनरेट होना स्टार्ट होगा। बट उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है, जो प्रोडक्ट्स आप परचेस करोगे,
मतलब उसके अंदर आफ्टर दैट पैकेजेस रहेगा अलग अलग प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल दो फ्री रहेगा, इन केस उसके साथ और भी प्रोडक्ट्स फ्री आ सकती है नहीं आ सकती है अभी कुछ आइडिया नहीं है, कितना प्रोडक्ट्स फ्री में मिलेगा कुछ आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ओ कनेक्ट चाहिए और ओ कनेक्ट का समझो कि $200 है, मेरे को वो $200 जब मैं पे करूंगी तब मेरे को वो कनेक्ट मिलेगा। जब मैं ओ कनेक्ट लूंगी तो जो ट्रैफिक ओ कनेक्ट कर रहेगा मेरा अंडर भी आएगा थोड़ा सा। ओके ऐसा नहीं है कि आपके पास ओ मेल और ओ नेट है और वो कनेक्ट का आप ट्रैफिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है प्लीज ये मत रेस्ट फ्री मत होइए कि अभी मेरे पास कैश नहीं है तो एक्टिवेट नहीं करूंगा तो भी जनरेट होगा, वैसा नहीं है बिल्कुल। एटलीस्ट आपको जो फर्स्ट पैकेज एक्टिवेट करना कंपलसरी है। ये एक चीज हाईलाइट करना चाह रही थी। इसमें कुछ हाईलाइट करना चाहोगे मुकेश सर या कोई भी पैनल हाँ, से? मैं इसमें सिर्फ यही, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन यही है कि स्टार्टिंग में कहा गया था कि आपको पैकेज की टेंशन नहीं लेनी है आपको। अगर आप पैसा जब जब आप आपके वॉलेट में पैसा आता रहेगा, जब आप वॉलेट में उतना पैसा हो जाएगा तब आप बाय कर लेना। तो ये कहा सही कहा गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा जैसे कि हमारे सपोज कीजिए हम चार पैकेज बना दिया हमने, एक एग्जाम्पल 50 डॉलर, 100 डॉलर, 200, 500 ऐसे डॉलर बना दिया। तो 500 डॉलर जो होंगे वो सारे वो ज्यादा ट्रैफिक के लिए और सारे प्रोडक्ट के लिए होंगे, लेकिन 50 डॉलर जो होगा आपका सपोज कीजिए आप ओ कनेक्ट और एक दो प्रोडक्ट और है उसके लिए है आपके। तो अगर आप वो भी परचेज नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके उसमें नहीं आएगा, उसमें आई मीन वो आप परचेज करोगे तभी आपके उसमें वो कनेक्ट का जो ट्रैफिक हुआ वही सिर्फ वही ट्रैफिक आएगा इसमें। और आई थिंक शायद मैं एक जगह थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ, अगर सपोज कीजिए मैम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, थोड़ा सा सपोज कीजिए कि एक बंदा है कोई, मतलब एक फाउंडर है कोई, उसका स्पिलओवर आता है या कहीं से भी आता है, वो अगर परचेज स्पिलओवर उसके डाइट में आ गया है, वो अगर परचेज करता है, उसने अगर फुल सपोज कीजिए फुल वाला 300 फुल है मतलब मैक्सिमम वाला पैकेज वो उसने परचेज किया है डायरेक्ट में है उसके, तो क्या उसका उसमें आएगा नहीं आएगा? क्योंकि एक बार सर ने ये कहा था कि जो भी फर्स्ट वो रहेगा तो फर्स्ट का पूरा 100% कमीशन आ जाएगा उसका, हाँ उसके बाद का क्या है थोड़ा सा उसके। सर उसके लिए ओके फर्स्ट का कैसे, मेरे को मेरा अंडर जो करने के लिए कस्टमर, फर्स्ट कस्टमर बनने के लिए मेरा लाइव होना जरूरी है, ये मैंडेटरी है, मैं पैकेज देना जरूरी है। बट एट द सेम टाइम, जब आपकी फॉर एग्जांपल मेरा कस्टमर बन गया, मैंने ओमेल ले लिया, मेरा ओमेल से मैंने एक कस्टमर को बना दिया। वो लेकिन वो मेरा कस्टमर वो कनेक्ट ले लिया लेकिन मेरे पास वो कनेक्ट नहीं है, उसकी जो कमीशंस होगा मेरे पास तब तक नहीं आएगा जब तक वो परचेज नहीं करेंगे, वो बैकएंड में दिखेगा। इधर लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ था कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेने का टाइम ही वो दिखेगा, वो प्लीज वो कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर दीजिए। यस मुकेश सागर जी आई थिंक शायद इसमें शायद एक कंफ्यूजन ये है, सपोज कि मैं हूँ, मेरे 10 की टीम है नीचे, ठीक है, उन 10 के 10 ने मुझे सब्सक्रिप्शन लिया है, मैंने नहीं लिया है अपनी, ठीक है, मैंने नहीं लिया है, तो उन 10 का जो आपकी टीम के डायरेक्ट है उस डायरेक्ट में 10 का जो आपका जो भी कमीशन होगा वो आपके वॉलेट में आएगा, उसका आएगा कमीशन 10 का उसका आएगा, लेकिन लेकिन आप विड्रॉ तब कर सकते हो जब आप जो भी सब्सक्रिप्शन पैकेज आप जो भी मतलब वो किसी टूल का पैकेजेस जब परचेस करेंगे। सब्सक्रिप्शन आप तब उसका वो विड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये हो गई, अगर सपोज की जो कंपनी, ये तो आपके डायरेक्ट है, तो आपकी मेहनत हुई है, इन आप सपोज आपके 10 है 20 है 50 है 100 है या 2 है जो भी है आपके, ये उनके लिए उनके साथ ऐसा कुछ होगा। अब जो दूसरी चीज, एक सेकंड चीज ये आ रही है कि हम बाहर जो कंपनी आपको पेड ट्रैफिक जिसे कहते हैं ना, पेड ये ट्रैफिक लाके देगी, वो सिर्फ जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आप सिर्फ उसी का ट्रैफिक लाके देगी आपको, अगर आप नहीं लेंगे तो आप वो ट्रैफिक नहीं लाएगी आपको, जितने भी जो आप एफिलिएट कर रहे हैं मार्केटिंग से ऐड कर रहे हैं आपके डायरेक्ट हैं उनका तो आएगा, लेकिन वो कंपनी लाके नहीं देगी आपकी, राइट। यस एग्जैक्टली राइट। ठीक है सो प्लीज ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। आपको जो बोल रहे थे कि पैकेजेस, सब्सक्रिप्शन पैकेजेस का इनिशियल आपको करना ही है मैनेज, इसमें मत रही है, उसमें भी शायद टाइम लिमिट हो सकता है। सर ने बोले थे किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, 6 मंथ्स हो सकते हैं, 3 मंथ्स हो सकते हैं, 2 मंथ्स हो सकते हैं या 1 ईयर हो सकता है, जो भी है अभी कुछ टाइम लिमिट हमें पता नहीं है। एग्जाम्पल बता रही, कुछ टाइम लिमिट दिया जाएगा और उसके अंदर आपको पे भी करना रहेगा।